हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर रोजगार पे स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो का जो वैकेंसी होता है उसके लिए मॉक टेस्ट 3 जो है ऑनलाइन माध्यम में और ऑफलाइन यानी कि पीडीएफ के द्वारा जो है एप्लीकेशन पर सभी के लिए फ्री में अपलोड कर दिया गया है, जिसका टाइम 10 बजे से था। लेकिन जैसे ही रेडी हो गया था तो मैं सुबह 8:30 बजे अपलोड कर दिया था। तो आपने अभी तक टेस्ट नहीं दिया है तो ज़रूर टेस्ट को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर इस वजह से करें क्योंकि जितना ज़्यादा लोग मॉक टेस्ट देगा आपको अपना रैंक पता चलेगा और आपको किस चीज़ में और सुधार करने की आवश्यकता है ये भी आपको ऑनलाइन टेस्ट देने से पता चलेगा। और क्या इसका बेनिफिट होगा, आप हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्यों सब्सक्राइब करें मैं बता दूं, ये आपका तीसरा मॉक टेस्ट है। इसके बाद भी जो है मैं आप लोगों के लिए, मेरा टारगेट है कि 20 मॉक टेस्ट में सभी के लिए जो सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का तैयारी कर रहे हैं 2019 के लिए, 20 मॉक टेस्ट जो है मैं सभी के लिए फ्री में कराऊँ। प्रीवियस ईयर का भी मॉक टेस्ट जो है हमारा एप्लीकेशन पे, मॉक टेस्ट नहीं, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार पे ऑनलाइन माध्यम से और पीडीएफ के माध्यम से फिर से उसको टाइप करके ऐड किया गया है ताकि आपका क्लियरिटी से जो है स्पष्टता से क्वेश्चन को, प्रश्नों को आप देख सकें। तो अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन को नहीं इंस्टॉल किया है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल करें। मैं इस वैकेंसी जो 2022 में आ रहा है इसके बारे में कई जो है वीडियोस लेके आऊँगा, जैसे कई वीडियोस मतलब उसमें कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, इसका सैलरी क्या होता है, इसका ड्यूटी क्या होता है, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में, इसको पोस्टिंग कहाँ दिया जाता है, प्रमोशन कितने वर्ष में मिलता है, सभी चीज़ों के बारे में बताऊँगा और इत्मीनान से बताऊंगा ताकि पूरा आपको वीडियो देखने के बाद तसल्ली रहे कि हाँ आप इस जॉब में जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता है कि आपको करना क्या है, क्या कठिनाइयाँ आएंगी, क्या परेशानियाँ आएंगी, क्या जो है चैलेंजेस सामने आएंगे। तो कई दोस्तों के पास मैं कहूँगा ज़रूर शेयर करें। और आपको टेस्ट अगर पसंद आता है, हमारा मेहनत सही लगता है तो हमारा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके 5 स्टार रेटिंग ज़रूर दें, ये जो है आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और शाम को 7 बजे, आज शाम को 7 बजे इसका हम लोग लाइव सॉल्यूशन देखेंगे फ्यूचर रोजगार यूट्यूब चैनल पे। किस पे? फ्यूचर रोजगार यूट्यूब चैनल पे हम लोग इसका लाइव सॉल्यूशन देखेंगे। लाइव सॉल्यूशन देखने के बाद मैथ का भी कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा जो कि सभी के लिए जो है फ्री में रहेगा। तो इसका जो भी सॉल्यूशन रहेगा हम लोग फ्यूचर रोजगार यूट्यूब चैनल पर ही देखेंगे, एप्लीकेशन पर सॉल्यूशन नहीं आएगा, एप्लीकेशन पर सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट और पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप अपना तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करते रहें। अच्छा, जैसे आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, साइंस में आप मान लीजिए कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो आपको उससे पता चलेगा कि आपका फिजिक्स का कौन सा पार्ट वीक है, बायो का कौन सा पार्ट वीक है, मैथ जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा आपका टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड वीक है, कमज़ोर है कि परसेंटेज में आपकी कमज़ोरी है। तो आप उस चीज़ का एनालिसिस करिए कि क्या वीकनेस आपके अंदर है। हिंदी में अगर आप जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपका विलोम सही हो रहा है कि नहीं, पर्यायवाची सही हो रहा है कि नहीं, शब्दों के लिए एक शब्द सही हो रहा है कि नहीं, मतलब आपसे कमियाँ कहाँ पर हो रही हैं। तो फिर 3 दिन उन कमियों पे काम करिए। क्या करिए आप? 3 दिन उन कमियों पे काम करिए, फिर संडे को आपके लिए मैं टेस्ट लेके आऊँगा, फिर आप देखिए उन कमियों पे आपने अगर काम किया तो सुधार हुआ कि नहीं हुआ। मॉक टेस्ट दे ऐसे देंगे तो मैं बता रहा हूँ 20 टेस्ट आप देंगे, ठीक है, कम से कम अगर आज अभी आप 60 नंबर पा रहे हैं तो आप कम से कम 75 तक पहुँच जाएंगे। 70 आज अगर आपका 70 नंबर आ रहा है इन मॉक टेस्ट में तो आप जो है एग्ज़ाम तक 85 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कैसे? जो मैं तरीका बता रहा हूं उस तरीके से कि आप 3 दिन अपनी कमियों पर फोकस करिए। हिंदी वीक है तो 3 दिन में पूरा हिंदी को एकदम
इतना अच्छा बेहतरीन करने का कोशिश करिए कि अगली बार जब हिंदी आप करें तो 25 में 25, 25 में 24, मतलब मैक्सिमम लाने का कोशिश करें। जब मैथ में जो कमी है अगली बार मैथ में कमजोरी दूर करें, अगली बार पूरा का पूरा मार्क लाने की कोशिश करें। इसी तरह जो है स्कोर को बढ़ाया जाता है कि मॉक टेस्ट दिया, कमियों पे काम किया, मॉक टेस्ट दिया, फिर अपनी कमजोरियों पे काम किया। ये नहीं है कि मॉक टेस्ट दिया 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 दिया, नहीं, मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया, कमियों पे काम किया, तब जाके आपका प्रदर्शन निश्चित सुधरेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लेंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, SSC, GD, चाहे उससे बड़ा लेवल का NTPC, ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम, जब आप अपने कमियों पे काम करेंगे तभी सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक।